नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीनी कंपनियों से चंदा लेने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। बीजेपी की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि पीएम केयर्स फंड को भी चीन की कंपनियों से चंदा मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चीन के साथ विवाद के बावजूद पीएम केयर्स फंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीनी पैसा क्यों मिला है? क्या प्रधानमंत्री को विवादास्पद कंपनी हुवेई से 7 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या हुवावे का चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से सीधा संबंध है? क्या चीन की कंपनी टिकटॉक ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए का दान किया है? सिंघवी ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में मिले दान को पीएम केयर फंड में डायवर्ट कर दिया है और कितने करोड़ की राशि डायवर्ट की गई है? सिंघवी ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई 2020 तक पीएम केयर्स फंड को 9,678 करोड़ रुपए मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी सेनाओं ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने चीनी कंपनियों से फंड में पैसा लिया है। सत्तारूढ़ सरकार का ये फंड है। अब इस फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड्स रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी 2013 के बाद आपके नाक के नीचे, ये सब एरियाज और तारीखें बताई मैंने, चूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई, उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, तो मुझे अद्भुत लगता है। और जवाबदेही है राजीव गांधी फाउंडेशन, 20 लाख रुपए ले ली राजीव गांधी फाउंडेशन ने, इतना जबरदस्त फिगर 9,600 सिर्फ एक फंड में। और फंड कितना पुराना है जरा, ये कितना पुराना फंड है, कोविड कब हुआ था, ये तो अभी जन्मा है फंड, ये तो शिशु है। उसमें अगर अभी 10,000 करोड़ है और हम आपको ये नहीं बताते तो इसमें 6 महीने बाद क्या फिगर होता, तो आप देख लेते। कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा, अगर भारत के प्रधानमंत्री विवादास्पद और अपारदर्शी तरीके से चीनी कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपए के दान को स्वीकार करके अपनी स्थिति से समझौता करेंगे तो वो चीनी आक्रामकता के खिलाफ देश की रक्षा कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।